सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, टेक्निकल सलमान चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो फाइनली दोस्तों, हम बात करने वाले हैं वीवो के T2 फोन के बारे में। अगर आपके पास वीवो का T2 5G फोन है, यूज कर रहे हो, आप लोग को यहां पर बताने वाला हूं डिवाइस कंट्रोल सेटिंग के बारे में, जो कि यहां पर हमें मिल जाता है कैट कंट्रोल सेटिंग। कैट कंट्रोल सेटिंग का मतलब क्या है एंड इसका मतलब क्या है एंड कैसे इसे यूज किया जाता है एंड अगर आपके फोन में ऑन है तो आप इसे ऑफ कैसे कर सकते हो एंड अगर आप इसे ऑन करना चाहते हो तो मैं आप लोग को बताने वाला हूं इस वीडियो में अपने फोन के सेटिंग से आप लोग इसे कैसे ऑन कर सकते हो। जो कि आपके फोन में यहां पर मिल जाता है डिवाइस कैट कंट्रोल का ऑप्शन। कंट्रोल सेंटर को नीचे करोगे तो यहां पर डिवाइस कैट कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप लोग के फोन में देखने को मिल जाता है, लेकिन आप लोग को समझ में नहीं आता कि ये कौन सा सेटिंग हमें देखने को मिलता है। लेकिन मैं यहां पर इसके बारे में बताऊंगा एंड इसके बारे में डिटेल से समझाऊंगा इसका मतलब क्या होता है एंड इसे आप लोग कैसे यूज कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोग को इसके बारे में बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इससे पहले हमारे वीडियो को लाइक कर लेना एंड इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर आप लोग फॉलो कर लेना। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं और चलते हैं अपने फोन के स्क्रीन पे और आप लोग को चल के बता देते हैं। वेलकम टू माई YouTube चैनल टेक्निकल सलमान। तो फाइनली दोस्तों, साइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखने मिलेगा। तो दोस्तों, यहां पर हम बताने वाले हैं डिवाइस कैट कंट्रोल सेटिंग के बारे में, जो कि आप जिसे कंट्रोल सेंटर को नीचे करते हो अपने फोन में, तो यहां पर आपको मिल जाता है डिवाइस कंट्रोल्स का ऑप्शन। अब जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो आपके फोन में ये इनेबल नहीं होगा। आपको बताऊंगा, यहां पर मेरे फोन में इनेबल है, पहले से मैंने अपने फोन में यूज कर रहा हूं। लेकिन अगर आप लोग के फोन में ये इनेबल नहीं है एंड आप लोग के फोन में अगर इनेबल है, ऑफ करना चाहते हो, ऑन करना चाहते हो, तो यहां पर आपको ऑन करने के बारे में बता देता हूं। तो आपको यहां पर एक मिल जाता है, आपके फोन के सेटिंग के अंदर आओगे, जैसे आओगे सेटिंग के अंदर, उसके बाद आपके फोन मिल जाता है अबाउट फोन। अबाउट फोन में आप आओगे तो यहां पर देखोगे तो एक ऑप्शन मिल जाता है आपके फोन में, एंड्रॉइड वर्जन का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि एंड्रॉइड 13 अगर आपके फोन में है तो एंड्रॉइड वर्जन का ऑप्शन यहां पर मिल जाता है। यहां पर आपको टैप करना है और इस तरीके से टैप करने के बाद आपके फोन में इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा। यहां पर क्या करना है, इस घड़ी को ले जाकर यहां पर रोकना है। अब मैं बताता हूं यहां पर कैसे आपको रखना है। जैसे यहां पर लेकर रखोगे इस तरीके से आपका हो जाएगा। अब ये हमारे फोन में 13 बज चुका है, तो जैसे आपका एंड्रॉइड 12 है तो एंड्रॉइड 12 में कर सकते हो, अगर आपके फोन में यहां पर 13 है तो 13 कर सकते हो इस तरीके से। अब क्या होगा दोस्तों, यहां पर ये इनेबल हो जाएगा, आपको यहां पर कुछ नहीं करना है, यहां पर आपको कुछ नहीं करना है, बैक होना है और आपको यहां पर आना है डिवाइस कंट्रोल पे। डिवाइस कंट्रोल पे आने के बाद आपको यहां पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहां पर देखोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिल जाता है, 200 ml यहां पर मिल जाता है और कुछ इस तरीके का हमें इनेबल करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो हम तीनों को करेंगे यहां पर क्लिक और यहां पर हम कर देते हैं इसे ऐड, या तो यहां जो करोगे एडिटिंग, एडिट करने का ऑप्शन मिल जाता है। यहां पर आपको सेव करना है, इस तरीके से एडिट करके सेव कर देते हो। अब दोस्तों, यहां पर क्या होता है कि अगर आपके फोन में ये इनेबल हो जाएगा इस तरीके से, तो आप अपने फोन में इसे यूज कर सकते हो। इस तरीके से मैं ऐड कंट्रोल पे करूंगा तो ये ऐड भी हो जाएगा, इस तरीके से ऐड हो जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप लोग इसे ऑफ करना चाहोगे, बंद करना चाहते हो, तो बंद नहीं हो पाता है, जो कि इसका एक बार ऑन होने के बाद, इनेबल होने के बाद आपके फोन में ये बंद नहीं होगा। जो मैं बता रहा हूं आप लोग को, क्लियर बता रहा हूं, ये आपके फोन में बंद नहीं होगा। कुछ लोग वीडियो बना के बता देते हैं कि दोस्त ऐसे बंद कर सकते हो, कैसे बंद कर सकते हो, लेकिन ये बंद नहीं होता। रियलिटी जो मैं बता रहा हूं, ये एक बार इनेबल करने के बाद आपके फोन में बंद नहीं होगा, आपका हमेशा ये ऑन रहेगा जब तक आप अपने फोन को रिसेट नहीं मारते हो। फुल रिसेट मारोगे तभी जाकर ये बंद होगा, नहीं तो ये आपके फोन में इनेबल होगा। दोस्तों, ये रियलिटी में बता रहा हूं। तो यहां पर क्या करना है दोस्तों, इसे आपको इनेबल कर लेना इस तरीके से, जो कि मैंने अपने फोन में इसे पहले से इनेबल कर रखा है, आपको इनेबल कर लेना है। और आपको इनेबल होने के बाद, जैसे कि यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, अब कैट कंट्रोल पर हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है, यहां पर देखोगे तो हमें क्या करना है, यहां पर टैप करना है। यहां पर देखोगे इस तरीके से हमारे फोन में कुछ इस तरीके से कैट कंट्रोल आ जाते हैं, 6 यहां पर कुछ कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। तो कलर में रखना है, कलर में रख सकते हो, इस तरीके से हमारे फोन में आ जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको यहां पर देखोगे तो इस तरीके से एडिट करना है और इनको सबको हटाना है इस तरीके से, और मेरे फोन में इस तरीके से होगा, देखोगे तो इस तरीके से आपके फोन में पहले होगा जब आप इनेबल करोगे। अब यहां पर आपको क्लिक करना है कैट कंट्रोल वाले ऑप्शन पे। जैसे आप ओपन करोगे, यहां पर क्लिक करोगे, यहां पर क्लिक करोगे तो आपके फोन में कैट कंट्रोल इस तरीके से आएगा। तो कैट कंट्रोल पे आप जैसे क्लिक करोगे तो आपके फोन में इस तरीके से आ जाएगा, जो कि आप देख सकते हो। अब आपको क्या करना है, यहां पर क्लिक करना है, तीनों पे मार्का लगा देना है, उसके बाद आपको यहां पर सेव कर लेना है। आपका ये इस तरीके से इनेबल हो जाता है। इसका मतलब दोस्तों, आप लोग कोई भी मैसेज वगैरह करोगे व्हाट्सएप वगैरह पे, तो ये बबल दे देता है और इससे कुछ नहीं होता दोस्तों। इसमें आपका ये फालतू है, यहां पर ज्यादा कुछ यूजिंग इसका नहीं है। लेकिन कुछ लोग फिर भी
सोचते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, तो मैं यहां पर बता देता हूं। जैसे कि आप इसे यूज कर सकते हो, ये आपके फोन में कैट कंट्रोल दिया गया, पहले नहीं आता था लेकिन एंड्रॉइड 12 एंड्रॉइड 13 वाले डिवाइस में देखने को मिल जाता है। तो इसका मतलब दोस्तों कि आप लोग कोई एसएमएस वगैरह करते हो तो यहां पर व्हाट्सएप वगैरह पर तो ये बबल दे देता है, एंड इसका यूज यही है दोस्तों। आप इसे गेम की तरह खेल सकते हो, यूज कर सकते हो, और इसका कुछ ज्यादा यूज नहीं है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इसे ऑफ कैसे करें, तो ये ऑफ नहीं होगा जब तक आप अपने फोन को फुल रिसेट नहीं मारोगे। तो यहां पर आप लोग को मैंने बता दिया डिटेल में सब कुछ यहां पर डिवाइस कंट्रोल के बारे में, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतनी, आई होप हमारा वीडियो अच्छा लगा हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के एंड प्रेस कर लेना ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय दोस्तों।